जा पाएंगे, इनको यहीं छोड़ दो। और उसी परिस्थिति में उस वृद्ध व्यक्ति को उन लोगों ने छोड़ दिया। बाकी लोग बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए गए। इधर घटना क्या घटी कि जिस व्यक्ति का पेट खराब था, दस्त लगने के कारण से उसे कमजोरी ज्यादा आई, और जब वो एक जगह बैठ करके सोच करना चाहा तो कमजोरी के कारण वो अपना बैलेंस नहीं बना पाया और बहुत नीचे गिर गया। एक तो ये स्वास्थ्य खराब, दूसरे में कमजोरी, और तीसरे में अब ये चढ़ा जाना बहुत मुश्किल था उसके लिए। उसके मन में बार बार बद्रीनाथ भगवान की याद आ रही है। न जाने कौन सा ऐसा पाप उदय हुआ जिसके कारण से मेरा बद्रीनाथ भगवान का दर्शन नहीं हो पाया। घर से चले थे बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करूंगा, लेकिन पता नहीं कौन सा पाप आड़े आया और आज हम बद्रीनाथ भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। धन्य है वे मित्र लोग जो बढ़िया पहुंचे होंगे, क्या सुंदर बद्रीनाथ भगवान का दर्शन कर रहे होंगे, बद्रीनाथ भगवान का दर्शन कर रहे होंगे, बद्रीनाथ भगवान का दर्शन कर रहे होंगे, ये सज्जन सोच रहे हैं। इनको छोड़ करके जो लोग गए हैं उनके मन में क्या चल रहा है पता नहीं, किस स्थिति में होगा, बचा होगा, मरा होगा, कोई पता नहीं है। जो बद्रीनाथ भगवान के पास में है उनको बद्रीनाथ भगवान की याद नहीं आ रही है, उनको इस वृद्ध की याद आ रही है और अपने किए हुए का पछतावा हो रहा है। और उस व्यक्ति को बद्रीनाथ भगवान याद आ रहे हैं यहां बैठे बैठे। एक दिन के बाद में एक कोई गढ़वाली व्यक्ति वृद्ध के पास पहुंच करके कहता है, दादा आपका पेट खराब है, ये मैं दवाई लाया हूं, पहले इसके साथ खा लो। जब वो दवाई की पुड़िया देता है और वो उस दवाई को पाते हैं, थोड़ा सा प्रसाद पाया, थोड़ा सा जान आया, वहीं पड़े हैं लेके नहीं जा रहा है, दवाई दे रहा है बस। दूसरे दिन फिर आया, दवाई दिया और ज्यादा बढ़िया ठीक हो गए, भोजन दे जावे, दवाई दे जावे, और बैठे बैठे वो हे बद्रीनाथ भगवान पता नहीं कौन सा पाप उदय हुआ, प्रार्थना चला है बद्रीनाथ भगवान का। दो दिन में जब शरीर में कुछ ताकत आई तब दिमाग भी काम करने लग गया। यहां इस एकांत जगह पर आसे पासे कोई भी बस्ती नजर नहीं आ रही है, आखिर कौन आता है मुझे दवाई देने के लिए, आज पूछूंगा। और जब वो आ जाया, बोले भैया कौन है आप, बोले आप दवाई दे, में दवाई पवाया प्रसाद पवा करके। और जब पूछे कौन है, अरे बोले बाबा तुम ठीक तो हो जाओ एक बार, चला गया। अब इनके मन में हो रहा है बताया क्यों नहीं उसने, आने दो आपकी, आपकी पहले दवाई नहीं लूंगा, आपकी पूछूंगा कि तुम कौन हो, कहाँ है तुम्हारा घर। और जब दूसरे दिन वो फिर आया, लो जिम लो दवाई लेना है, अब ठीक हो जाओगे। उन्होंने कहा नहीं मैं ठीक हूं या नहीं ठीक हूं, आप कौन होते हैं चिंता करने वाले मेरे, पहले ये बताओ। यहां आसपास किसी की बस्ती दिखाई नहीं देती है, आप हैं कौन। वो सज्जन मुस्कुरा करके बोले, लग रहा है थोड़ी ताकत आ गई है शरीर में, पहले तो नहीं बातें आती थी। बोले हाँ सही कह रहे हैं आप, अब आ गई है ताकत, लेकिन जब तक आज नहीं बताओगे मैं औषधि का पान नहीं करूंगा। जब उसने हट किया तब बद्रीनाथ भगवान वहीं प्रकट हो गए। इतना आनंद से उसने दर्शन किया, चरणों में गिर गया, प्रभु आप। बोले रात दिन ध्यान किसका करते हो तुम, मेरा। तो क्या तुम हमारे मित्र को भी ऐसे ही मिले, बोले नहीं मित्र तुम्हारा ध्यान करते हैं, ठीक है तुम मिलोगे उनको, ठीक है वो तो पक्का है, समझ में आया ना। तो हम मन से जहां हैं वहां हैं,
लेकिन हम लोग मन से नहीं रहते हैं भगवान के पास, तन से रहना चाहते हैं, और तन लोग रहने देंगे नहीं, रहने देंगे? मन से रहो। आप कहेंगे महाराज मन लगता ही नहीं है भगवान में, तो आप लग जाओ, मन को छोड़ दो। जितनी बार ये भागे उतनी बार मन में भगवान ये लगा दो, और ना लगे ये कहीं जावे वहीं भगवान को देख लो, मेरे तो भगवान यहां भी है, कहां जाएगा? फिर वहां से भागे दूसरी तरफ, बोलो यहां भी मेरे भगवान है। जब वो मन पूछे तुम्हारे भगवान कहां नहीं है, तो कह दो सुई की नोक टिके इतनी जगह भी खाली नहीं है, तू जा सके जहां जा, कहीं भी जाएगा ना तो मेरे भगवान को छोड़ के तो तेरी कोई गति है नहीं, जाएगा तो तू मेरे भगवान में ही, बस मेरे मन पसंद वाली भगवान के स्वरूप में लग जा तो तेरा कल्याण होगा, नहीं तो है हमारे भगवान, जा तेरे को जहां जाना है, तेरे मेरे से कोई खटपट नहीं है, तू कहीं भी जाएगा वहीं मेरे भगवान तुम्हें मिलेंगे। अरे समुद्र के जहाज का उड़ा हुआ पक्षी चाहे जितना मेहनत करे कहां जाएगा, बैठने यहीं आएगा, ठीक है, कोई आश्रय है ही नहीं है वहां। तो हे मन तू मान जा। बढ़िया सुंदर धनुषधारी उनको धारण कर, और नहीं तो कहीं भी जाएगा ना, मेरे भगवान वहां तेरे को मिलेंगे जरूर। आप मन को बता के तो देखो, मान जाएगा। स्वामी जी की बताई हुई युक्ति है, जहां जहां तुम्हारा मन जाए वहां से भगवान में लगाओ, और ऐसा न कर पाओ तो जहां जहां मन जाए वहीं पर भगवान को देखो। बस दो तरीके से यह मन शुद्ध स्वस्थ हो जाएगा। हम मन से अयोध्या चले, तन तो यहीं रहने देना। आप कहोगे महाराज जी ऐसे जा सकते हैं क्या? हाँ, कई लोग यहीं बैठे बैठे सामने हैं, लगता है कथा सुन रहे हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ हो, कोई बीकानेर, कोई देशनौ, कोई फलाना, कोई वर्षिकसर, कोई कोलासर, कोई मेघासर, कोई शूरपुरा, कोई सिंजीगुरु, पता नहीं कोई कोई गाय को नीरा नाक रहे होंगे, कोई बिल्ली भगा रहे होंगे, कोई रसोई खुला होगा वो बंद कर रहे होंगे। शरीर यहाँ है लेकिन मन भी यहाँ है क्या? मन होना चाहिए, तो मन यहाँ मत रखो, अपने और आगे लेके चलते हैं अयोध्या। और आज अयोध्या जी में तैयारियां कैसी चल रही है वो तो देखो। भरत जी ने जब से ये कहा है कि मेरा हित भगवान के दर्शन करने में है, इसलिए हे गुरुजनों अगर मेरा हित चाहते हो तो मुझे ये आशीर्वाद दो कि मैं भगवान राम का दर्शन पाऊं। ऋषि मुनियों ने कहा नहीं नहीं भरत, हम आशीर्वाद तुम्हें नहीं देंगे, हम खुद तुम्हारे साथ चलेंगे। हमने ऐसा सोच भी नहीं पाया कि ये भी करना उचित है। वाह भरत वाह, हम सब चलेंगे। जब भरत जी ने कहा कल सुबह चलेंगे तो आज रात भर क्या करना है, तो जो उस सभा में थे ना वो अपने घर में नहीं बताया है कि कल चित्रकूट जाऊंगा मैं, भरत जी के साथ राम जी से मिलना है, घर में नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि घर वाले भी तैयार हो जाएंगे तो घर को देखेगा कौन यहाँ पर, ठीक है। अब ये लोग घर में तो नहीं बता रहे हैं लेकिन अपने मित्र को बताते हैं। किसको बताते हैं? घर में हमने नहीं बताया लेकिन हम अपने मित्र को फोन कर दिए, देख किसी को बताना मत, ऐसी ऐसी सूचना में वहीं था। अब उन्होंने भी अपने घर में नहीं बताया, मित्र को बताया। किसको बताया? दूसरी भाषा में कहें तो खास को बताया, जो अपने खास थे उनको वो फोन कर दिया उनको वो। लेकिन घर में कोई किसी के सामने चर्चा नहीं, आंख बचा बचा करके अपना अपना बिंठा बांध रहे हैं, ठीक है। और जब घर का मुखिया आया, जिस कमरे में जावे वही एक बिस्तर बंधा टंगा हुआ है, वो चुपके से आया था कि मैं बांधूंगा, जिस कमरे में जाता है वही एक बिट्टा बंधा हुआ टल, ये किसका है? ये मेरा है। तो कहां तैयार हो? अब क्या बोले, बता देंगे तो मुश्किल हो जाएगा, सब कमरे में सबके बिंटे बंधे हुए, और मुखिया सोचता है मैं ही जानता हूं मैं तैयार हूं। जब देखा पूरा परिवार, पिताजी आपका बिंटा जहां के लिए बंधा है ना,
वहीं के लिए हमने भी बांधा है, तो तुम्हें कैसे पता लगा? बोले तुमने अपने मित्र को बताया ना, उनके मित्र ने उनको बताया, फिर हमारे मित्र ने हमको बता दिया। ये सब मित्र ही हैं आपस में, ठीक है? ये जितने यहाँ बैठे हुए हैं ये मित्र ही हैं। हम लोग भले ही इनको शत्रु मान रहे हो किसी कारण, बस ये किसी न किसी के मित्र हैं, पूछ लो। हाँ ये हो सकता है कि हमारे नाम हो, लेकिन किसी न किसी के तो मित्र ही है ना। जब घर का मुखिया देखा कि सब तैयार हो गए तो चलो, सब चलो। सुबह हुआ, सारी अयोध्या भगवान राम के दर्शन के लिए तैयार है, ठीक है। भरत जी ने देखा और बड़े खुश हुए, वाह, एक हाथ में सारी अयोध्या राम की है, देखो देख लो, देखो भाई देखो, ये सारी अयोध्या राम की है। एक हमारी माँ है, रो पड़े, पता नहीं उसको किसने सिखाया कि राम को यहां से भेज दो। अरे एक भरत को भेज देती तो इतने लोग सुखी रहते। नहीं नहीं, महारानी कैकेयी की क्या गलती है? गलती तो इस भरत की है, ये जन्मा क्यों? अगर ये नहीं होता तो आज इतने लोग दुखी। एक व्यक्ति अयोध्या में रहना नहीं चाह रहा है, सोचो, ये सब राम के हैं। एक केवल ये महारानी कैकेयी के क्या बीती। चलो अपने आप को समझाया, क्योंकि भरत भगवान की परछाई है। इन्होंने कहा देखो भाई, आप लोग जो तैयार हुए हैं इसकी प्रसन्नता तो मुझे बहुत है, लेकिन सोचो जब हम सब लोग अयोध्या से चले चलेंगे तो ये अयोध्या की रक्षा कौन करेगा? घर का देखरेख कौन करेगा? कौन है ऐसा जो घर का देखरेख करेगा, बताओ? जब आज हमारे भरत जी ने इस तरह से एक प्रस्ताव रखा कि भाई घर का देखरेख कौन करेगा, कैसे करेंगे, तब लोगों के उत्तर सुनने लायक है। जरहु सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मात पितु भाई। इतने लोगों में आग लगा देंगे ये जल जाऊंगे, जो राम जी के सन्मुख होने में सहायता न करें। हे भरत भैया, हे महाराज भरत, आपके सामने हम सत्य कहते हैं, मेरे राम की तरफ चलने में अगर किसी ने बाधा दी तो हम उसमें आग लगा देंगे। अगर वो संपत्ति हुआ, सुख हुआ, सदन मतलब घर भी अगर बाधा आ रहा है भगवान की तरफ चलने में, तो आग लगा के चलेंगे। भरत जी समझने आते, हंसी आ गई भरत जी को, वाह रे भगत वाह, वाह क्या हुआ भरत महाराज, हुआ क्या? बोले आप सब लोग घर में आग लगाने की सोच ली। बोले हाँ, जो राम जी की तरफ जाने में बाधा देता वो मेरे क्या काम का, एक बार हो गया जो होना था, अगर उसी समय हम आग लगा देते कई के महल में तो काम बन जाता था। लेकिन नहीं, अब राम की तरफ चलने में मेरे को कोई बाधा नहीं आएगा। भरत जी ने कहा भैया वो तो सब ठीक है, लेकिन हम लोग जा क्यों रहे हैं ये बताओ? राम जी को लाने जा रहे हैं हम, क्या करने जा रहे हैं? जब राम जी को हम यहां लाएंगे तो राम जी राजा बनेंगे और यहां तो सब अग्नि में जल के राख हो जाएगा, तो भगवान राम को राख का राजा बनाओगे क्या? भाई अगर हम राम जी को बुलाने जा रहे हैं और आग लगा के जा रहे हैं, और जाके राम जी से कहेंगे कि तुम्हारी अयोध्या में आग लगा के आए हैं, चलो राजा बनो, तो मेरे राम जी खुश होंगे क्या? बोले भरत, हम इसलिए तो राम के साथ नहीं रह पाए क्योंकि हमें पता नहीं है करना क्या है। हम भाव भाव में आके तो कर लेते हैं लेकिन हमें पता नहीं है क्या करना है। हमारी बातों पर मत जाओ भरत, बोले मुझे करना क्या है? सच कह रहे हो, अगर हम आग लगा के चलेंगे तो फिर राम जी को मुख क्या दिखाएंगे, कहाँ का राजा बनाएंगे? ना ना, दूसरी बात है प्रजावासियों,
ये अयोध्या है किसकी? ये राम की है। तो तुमको किसने अधिकार दिया कि राम की अयोध्या में आग लगा दो? भूलोगे महाराज, सारी प्रजा नतमस्तक हो गई। क्या इच्छा है महाराज भरत? हम करेंगे। तब हमारे भरत जी ने बड़ा सुंदर एक उद्घोष किया, सबको बताया, देखो भाई समय ऐसा है कि मैं व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेने में असमर्थ हूं, किसको कहूं कि अयोध्या रहो और किसको कहूं कि राम जी के पास चलो। अगर हम अयोध्या में ना रखें तो मेरे प्रभु की संपत्ति असुरक्षित होगी, कर्तव्य से च्युत हो जाएंगे, और अगर तुम्हें राम जी के प्रति नाथ ले चले तो बहुत बड़ा अन्याय होगा। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि किसे कहें चलो और किसे कहें रुको। तो हे नगरवासियों, हे भगवत प्रेमी, आप स्वयं निर्णय करें। दो प्रकार के सुख हैं, एक सुख तो वो है जो अपने के लिए है और एक सुख भगवान के लिए है। अब निर्णय करो कि कौन खुद सुखी होना चाहते हो और कौन भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो, खुश करना चाहते हो। वो कैसे महाराज? जो राम की संपत्ति की रक्षा करेगा उससे राम प्रसन्न होंगे, क्योंकि ये रघुपति की है, ये संपत्ति रघुपति की अहम उनकी है। राम को खुश करना है, यहां रुक जाओ, खुद को दर्शन करके खुश होना है, मेरे साथ अयोध्या चलो। दो भागों में वहां की जनता फट गई। जो चित्रकूट चलने के लिए राजी हुई, वहां से क्या करते हैं? कुछ आवाज चेंज हो रही है, तो क्या कारण है? विचार करें, आज दो भागों में हो गए। जो लोग चित्रकूट चलने के लिए तैयार हैं उनको एक तरफ कर दिया है, और जो यहां रहेंगे उनको कार्य समझा दिया है। और जब यहां से चले, जब यहां से चले हैं तो क्या सुंदर वर्णन है। कोई हाथी पर है, कोई घोड़े पर है, कोई रथ पर है, कोई पैदल है, और पैदल में भरत भी शुरू हुए हैं। लेकिन मां ने आकर के भरत को समझाया, देखो बेटा भरत, अगर आप पैदल चलते हैं तो बहुत लोग ऐसे हैं जो निष्ठा होने के नाते वो भी पैदल चलेंगे। पैदल चलना मना नहीं है बेटा, लेकिन ये अयोध्या वासी अपने बल पर भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, राम प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। मां आप इन पर संदेह क्यों करती हैं? बेटा मैं संदेह नहीं, सत्य कहती हूं। मैंने देखा है, स्वयं राम जब साथ में थे तब भी इन्होंने पैदल चल किया था, लेकिन एक दिन तक भी निभा पाए बस, उसके बाद इनके बस की नहीं रही, इसलिए साधन से चलो। भरत को जब कहा गया तो भरत भी साधन स्वीकार किया और यहां से चले। इस चाल में भी संतों ने बड़ी सुंदर सुंदर बातें बताई है कि जब भी भगवान के पास चलो तो सबसे उत्तम चाल है नग्न पांव, नंगे पांव सबसे सुंदर है, इसको तप बोलते हैं। लेकिन आज भरत मां के कहने से सवारी पर हुए, कोई रथ पर चल रहे हैं, कोई घोड़े पर चल रहे हैं, कोई हाथी पर चल रहे हैं, ये सब साधनाओं के प्रकार हैं। हाथी ज्ञान स्वरूप माना गया है, पालकी और रथ ये भक्ति स्वरूप माना गया है, घोड़ा कर्म का प्रतीक माना गया है, इस तरह से भी संतों ने बताया है। आज जब सभी लोग चले, धीरे 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 नियम व्रत कर रहे हैं। कई लोग ऐसा पूछते हैं कि महाराज जी व्रत करना चाहिए क्या? कई लोग ऐसा पूछते हैं महाराज व्रत जैसे शास्त्रों में लिखा है ये सब करना चाहिए? हाँ करना चाहिए। इस व्रत को केवल मनुष्य कर सकता है,
बाकी हर कोई नहीं कर पाते हैं। हाँ कभी कभी ऐसा देखा जाता है, कोई कोई पशुओं में भी हो जाता है ऐसा। जैसे वर्तमान में भी एक बात आती है एक जगह कि साधु के आश्रम में एक ऐसा कुत्ता रहता था, उसको पता नहीं कैसे पता लगता कि आज एकादशी है। आश्रम में निर्णय तब होता था जब वो नहीं खाता था तो कहते थे आज एकादशी है, पंचांग देखने की बात नहीं है। वो एकादशी को अनाज नहीं देता था। अब कोई जीव है, अंत का चिंतन रह गया था, धर्मनिष्ठ लेकिन अंत काल जमा में वो नहीं कर पाया। वो तब ऐसा देखा जाता है मनुष्य शरीर में आकर के संयम से रहना, व्रत आदि का निर्वाह करना, धर्म का कार्य करना, पाप ना करना, ये सब मनुष्यों का ही कर्तव्य है। अगर शेर गाय को मार देवे तो उसको गोहत्या नहीं लगेगी, लगेगी क्या? लेकिन मनुष्य से हो जाता है, क्योंकि मनुष्य समझदार है। शेर को पता नहीं है गाय की क्या महिमा है, उसको तो भोजन दिखता है। क्या दिखता है? भोजन, बस। इसलिए उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं। मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए। कम से कम मनुष्य पाप पुण्य का तो भले ही ध्यान रख ले। अगर इस संसार में तुम्हें रहना है तो पाप पुण्य का ध्यान रखना है। क्या करना है? ध्यान रखना है पाप और पुण्य। और अगर तुम्हें मुक्त होना है तो पाप पुण्य से ऊपर उठ करके केवल भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म करना है। तब पाप पुण्य नहीं देखना है, तब हित देखना है। सबसे सुंदर कर्म निष्काम कर्म है, जिसमें कोई भी फल की आशा नहीं है। वो सारे काम भगवत प्राप्ति के लिए साधक है। अब कर्म के अनुसार निर्णय होता है। बड़ा विचित्र बात है, आतताई लोग आक्रमण करें और उनको कोई व्यक्ति अगर मार दे तो उनके ऊपर केस नहीं चलता है। चलता है क्या भाई? एक नहीं, पचासों आतंकवादी को एक आदमी मौका पाकर के गोली से उड़ा देता है, लेकिन उनके ऊपर 302 का केस लगता है क्या भाई? और सम्मानित किया जाता है। और किया क्या है उन्होंने? हत्या। आज कोई एक थप्पड़ भी लगा देवे तो उसका नाम दंड है, लेकिन डॉक्टर लोग पूरा हाथ काट देते हैं। काट देते हैं कि नहीं काट देते बताओ भाई? तो उन पर कोई केस चलता है क्या? नहीं चलता है, क्योंकि उनके मन में तुम्हें दुख देने का नहीं था। बस यही तो बात है ना, इसके नाते उन्हें ये छूट मिल गई। ऐसे समाज में जो व्यक्ति किसी को दुख देने की आदत का समाप्त कर दिया है, उसके हर काम में केवल हित भरा हुआ है, वो नहीं चाहता है कि मेरे द्वारा किसी को कोई भी दुख हो। अब उसके द्वारा कोई भी काम होगा उससे पाप नहीं बनेगा। ध्यान आया कि नहीं? उससे पाप नहीं बनता है, क्योंकि वो पाप पुण्य के लिए नहीं करता है। ये निष्काम कर्म है। लेकिन अगर तुम्हें अपने लिए कुछ करना है तब तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगर कहीं कुछ हुआ तो तुम्हारे ऊपर सारे नियम लागू होंगे, बच नहीं पाओगे। पुण्य करोगे, अच्छे घरानों में जाओगे, अच्छे लोगों में जाओगे, अच्छी जगह मिलेगी। और पाप करोगे तो फिर नीच योनियों में जन्म होगा, नरक आदि काल प्राप्ति हो जाएगी। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम तो नरक और मानते ही नहीं है। कोई बात नहीं, आप बड़े अच्छे हो, मत मानो, लेकिन गलत मत करना, ठीक है? तुम नहीं मानते हो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलत छोड़ देना भैया तब तो ठीक रहेगा। और नहीं तो नरक मानो नहीं और गलत करोगे तो मनवाने के लिए भगवान के पास व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? जैसे आज बीकानेर जिले को भी कंट्रोल में रखने के लिए पुलिस प्रशासन विभाग है कि नहीं है बताओ? एक बहुत बढ़िया मजबूत दीवार का मकान भी है बीचवाल में, है कि नहीं है बताओ? कोई इतना ज्यादा मजबूत, इतनी सुंदर सुरक्षा, कितनी कमाई होती होगी
उसमें कोई कमाई होती है क्या? लाखों रुपए तनख्वाह दिए जा रहे हैं, किस लिए? उपज क्या है वहां से? कुछ नहीं। लेकिन फिर भी बीकानेर जिले की तरफ से एक व्यवस्था है कि जो जो नियमों का पालन करके जीवन जीना है, उसके विपरीत कोई जी रहा हो तो उसको यहाँ लाके सेवा करना है। क्या करना है? उनके सेवा की सारी व्यवस्था है वहां पर। अब कोई कहे महाराज मैं तो जानता ही नहीं जेल कहाँ है, मैं तो मानता ही नहीं हूँ। बोले तुम जानो चाहे मत मानो, तुम तो गलत करो, मनवाने वाले उनके पास हैं, उनका केवल यही काम है, इसी के लिए तनख्वाह लेते हैं। आप कहोगे मैं तो जानता ही नहीं हूं, जाऊंगा कैसे? वो गाड़ी लाएंगे साथ में, ठीक है, तुम्हें ले जाएंगे। तुम गलत तो करो कम से कम, फिर तुम्हारे को जानना पहचानना कहाँ है, कोई एड्रेस की जरूरत नहीं है। तुम तो केवल गलत कर लो, उसके बाद सारी जिम्मेदारी प्रशासन की है, वो मनवा भी देगा, दिखा भी देगा, सेवा भी कर देगा, और उसके बाद कह के भेजेगा दोबारा फिर आना, सेवा में स्वागत है, ठीक है। तो एक बात बताओ, एक जिले में भी ऐसी व्यवस्था है व्यवस्था बनाए रखने के लिए, तो इतने बड़े ब्रह्मांड ये अंधेरे में चलता होगा क्या? ऐसा नहीं है। ना मानने वाले ध्यान से सुन लो, मानना जरूरी नहीं है लेकिन गलत छोड़ना बहुत जरूरी है। जितना जल्दी हो सके उसे त्याग कर देना चाहिए। अब क्या होता है, सही कर्म से पुण्य होता है और गलत कर्म से पाप होता है, यही तो है ना। जिसको करने में लोगों को सुख हो, हित हो, वो कर्म करने लायक है, और जिसे किसी को तकलीफ हो, अहित हो, वो कर्म त्याज्य है। अब हम लोग क्या करते हैं, सुखी होना तो चाहते हैं। यहां जितने भी आए हैं, शायद मेरा अंदाजा जहां तक है सही निकलेगा कि जितने भी आए हैं सब सुखी होने के लिए, सब ऐसा मन में रखते हैं कि महाराज ये जीव सुखी हो जावे। सुख की आशा तो सबको है लेकिन कर्म सबके एक जैसे नहीं है, आशा सबकी एक जैसी है और कर्म एक जैसे नहीं है, तो फल एक जैसे मिलेंगे क्या? यहां आने पर भी फल एक जैसे मिलेगा क्या, ये बताओ? जब कर्म एक जैसे नहीं है तो फल एक जैसा नहीं मिलेगा, तब क्या होगा? कोई सुखी होगा यहां आके और कोई दुखी होगा, वो पक्का है। तब क्या कहेंगे, घनी कथा सुन ली मारो, दुख तो दूर भयो नहीं। तब कथा को दोष लगाएंगे। भगवान कहते हैं काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाओ चलेगा नहीं। तब क्या करना चाहिए, आप ध्यान से सुने, यहां और किसी भी लोक में अगर सुख चाहते हो तो सुख का काम केवल है पुण्य, ठीक है, और अगर दुखी होना चाहते हो तो पाप करो। दो ही ढेरी है हम जितने यहां बैठे हुए हैं, और ये ढेरी का काम कहां तक चलता है तो गीता जी में लिखा है आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्ति, वहां तक वापसी है निकट की, और पुण्य का प्रभाव है, पुण्य के प्रभाव से जाओगे और पुण्य समाप्त होते ही छिने पुण्य मर्त लोकम विशंति, बेच दिए जाओगे यहां, ये यात्रा वहां तक है इसी पाप पुण्य के कारण। तब क्या करना चाहिए, जैसे हम यहां से अमेरिका जावे तो हमारे यहां की करेंसी वहां नहीं चलेगी, तो समझदार लोग उसको डॉलर करवा देते हैं और फिर वहां मौज करते हैं, यही तो होता है ना। 2000 रुपए का नोट हो लेकिन वहां तुम्हें कोई कुछ नहीं देगा, उसका डॉलर करवा लो तो दे देगा। ऐसे ही यहाँ की जितनी संपत्ति तुम्हारी है उसको पुण्य में बदल लो। कब तक? जब तक नाक में श्वास है तब तक वो तुम्हारे खाते में आएगी, और अगर तुम पुण्य में नहीं बदल सके तो वो कागज हो जाएगा, ठीक है, यही रहेगा। अब हाँ, उसे लोग आनंद लेंगे, आप तो एक एक रुपया जोड़ जोड़ के इकट्ठा करो और वो आनंद मनाएंगे, और तुम्हें करोड़पति लखपति अरबपति होने पर भी वहां यमराज डंडा मारेंगे, क्या काम आएगा ये धन? तो इसीलिए बुद्धिमान पुरुष ये श्वास खत्म होने से पहले